So hey guys, welcome back to my channel. I hope all of you guys are doing extremely well. So right now it's 11 o'clock in the morning. और अभी मैं और पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल में. कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं? आँख के हॉस्पिटल में, मतलब आई हॉस्पिटल में जा रहे हैं. तो मुझे जो है मेरे आँख चेक कराना है, क्योंकि मुझे नया चश्मा बनाना है. तो कल पापा जाके आए थे, उन्होंने चेक किया है, बट उनका जो चश्मा है स्पेक वो डालने का बाकी है. तो आज मैं भी चेक कर लेता हूँ और दोनों का फिर नया चश्मा बनाने के लिए दे के आएंगे. तो चलते हैं फटाफट, और जितना शूट कर सकता हूँ, जितना दिखा सकता हूँ आप लोगों को उतना दिखाता हूँ, और चलते भी आगे और फटाफट निकलते हैं. फाइनली यहाँ का चेकिंग हो गए और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे शॉप, मतलब शॉप पे जा रहे हैं जहाँ पे चश्मा बनाना है. तो चलते सीधा वहाँ पर और देखते वहाँ पे कुछ फ्रेम्स वगैरह कौन से पसंद आती है. मुझे भी करना है, पापा को भी करना है, तो देखते वहाँ पे जाए. चलो चलते वहाँ. सो गाइस, तो फाइनली जो मेरा भी जो चश्मा करना था वो तो फाइनल कर दिया है. सब कुछ नंबर वगैरह दे दिया मैंने, और मुझे कल मिलने वाला है. मतलब मेरा अलग शॉप पे डाला है, पापा का अलग शॉप पे डाला है. पहले पापा का करने के लिए गए थे हम लोग, बट वहाँ पे मैंने भी देखा मेरे लिए मुझे कोई पसंद नहीं आया, इसके लिए मैं दूसरे शॉप पे आया. पापा का उसी शॉप पे फाइनल कर दिया और मेरा दूसरे शॉप पे फाइनल किया. मेरा कल मिलने वाला है, पापा को परसों मिलने वाला है. तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चलते सीधा यहाँ से घर पे. सो गाइस, तो अभी हम लोग घर पर आए और अभी डिस्कस हुआ कि पापा को मतलब फैमिली में एक शादी है, तो वहाँ पर जाना है, वो है औरंगाबाद में. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं औरंगाबाद सीधा. मतलब अभी आधा एक घंटे पहले तक तो कोई प्लान नहीं था, फिर अभी अचानक से प्लान बन गया औरंगाबाद निकलने का. तो मम्मी पापा और मैं, हम तीनों लोग जा रहे हैं औरंगाबाद. तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं घर पे आके, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद मैंने आप लोगों को अभी ये बता रहा हूँ. तो मम्मी पापा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, सामान वगैरह मैंने गाड़ी में रख दिया है. तो अभी निकलते हैं यहाँ से और सीधा कार में मिलते हैं आप लोगों को. सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते पे तो लग गए. तो बस अभी थोड़े आगे तक ही अच्छा रास्ता है शायद से, और आगे से रास्ता जो है वो सिंगल लेन हो जाएगा, और सिंगल लेन के साथ साथ रास्ता भी थोड़ा गंदा ही रहेगा. लेट्स सी, होपफुली अच्छा हो गया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग उस रास्ते पर गए नहीं है. तो लेट्स सी क्या होता है, आगे चल के मालूम पड़ेगा. चलते अभी और जो भी आप लोगों को आगे बताते हैं. सो अभी यहाँ पे फ्यूल अप करने के लिए रुके, फ्यूल अप कर लेते हैं फिर चलते आगे. अभी हम लोग तो सिंगल रास्ते पे लग चुके हैं, बट ठीक है, अभी कोई बात नहीं, जाना है तो जाना ही पड़ेगा उस रास्ते से, गड्ढे वगैरह बहुत सारे हैं, बट ठीक है, अभी कोई बात नहीं, फ्यूल अप करते हैं और निकलते हैं. सो ये देखो गाइस, कुछ इस तरह से रोड की कंडीशन अभी के लिए. आजू बाजू 4 लेन का काम तो चालू है ऑलरेडी, तो होपफुली अगले 1-2 साल में रोड बन जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली. देख सकते हो साइड में काम चालू है. अभी के लिए तो छोटा सा ही रास्ता है सिंगल लेन, बट ठीक है, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा. सो मुझे हर बार गाड़ी रुकानी पड़ती है, वैसे अभी भी मैं मम्मी के लिए, मतलब उसके जो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है कभी कभार, तो वो आज भी हो रहा है. मतलब अभी सेकंड टाइम में गाड़ी रुकाई मैंने, इससे पहले भी एक बार हो गया इसको, अभी सेकंड टाइम है. क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ इसके लिए कुछ सुझाव है, अगर कुछ है सोल्यूशन इसके ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ. और अभी का अपडेट ये कि हम लोग है 40 गांव में, और मैंने बाईपास से नहीं गाड़ी ली, मैंने सिटी से गाड़ी ली, क्योंकि यहाँ पे एक काफ़ी एक फेमस शॉप है स्वीट्स का. तो आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ, जाते वहाँ पे फिर बात करते हैं आपसे. तो भाई, यहाँ पर 40 गांव में हम लोग रुके थे, तो यहाँ पर जो एक नंदन पेड़ा का शॉप है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है. वहाँ से मैंने कुछ मिठाइयाँ ले लिया, मतलब पेड़ा ले आए. तो चलो चलते भी, यहाँ से चलना है आगे. कुछ मेहमान, मतलब कुछ रिलेटिव्स के घर पे भी जाना है, तो उनके भी देने के लिए ले लिया मैंने. तो चलो चलते भी फटाफट और निकलते यहाँ से. सब लोग मेरे को घूर घूर के देख रहे कि भाई ये ऐसा क्या कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है मोबाइल के सामने. बट चलो ठीक है, अपना यही काम है तो करना ही पड़ेगा यार. चलो तो गाइस, तो अभी यहाँ से जो है वो घाट सेक्शन चालू हो गया. तो अभी यहाँ से घाट है, पहले तो बहुत डेंजर था ये घाट, अभी पता नहीं, अभी अगर रास्ता अच्छा होगा. मैंने ऐसा सुना था कि यहाँ पर अभी जो है वो रोड अच्छा कर दिया है और थोड़ा ब्रॉड भी कर दिया है. तो लेट्स सी अभी कैसा है, अभी पता चल जाएगा. ब्लाइंड
स्पॉट पे ओवरटेक नहीं करना है, अभी दिख रहा है तो भी कर सकते हैं। चलो पहले से तो अच्छा दिख रहा है रास्ता। और गाइस ये देखो नीचे कितने सारे सोलर पैनल लगाए हुए हैं, मैं जूम करके बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखो ये जो भी दिख रहा है ना आप लोगों को नीचे, ये पूरा सोलर पैनल है, पूरा का पूरा। चलो अभी मोबाइल रख देता हूँ और आप लोग एक्शन कैमरा टाइम लैप्स एंजॉय करो थोड़ा घाट के अंदर। चलो गाइज अभी हम लोगों को काफ़ी अच्छा रास्ता लग चुका है। हम लोग ने जैसे भी घाट ऊपर चढ़ा उसके बाद से जो भी रास्ता लगा था ना, पहले तो थोड़ा टाइम सिंगल लेन रोड था बट वो भी अच्छा था, और उसके बाद से तो सीधा फोर लेन रोड ही लग गया अभी हम लोगों को। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा रोड है, अभी ये हमें औरंगाबाद तक पूरा यही रोड मिलने वाला है। सो चलो अभी ये अच्छी बात है कि अगला 50-60 किलोमीटर जो भी अभी हमारा रहेगा वो पूरा फोर लेन पे जाएगा। सो गाइस तो फाइनली यहाँ पे शादी के यहाँ पे मिल रहा था, वहाँ पे मिल गया, खाना वाना खा लिया और अभी ऐसे निकलते हैं। एक दो रिलेटिव्स है उनके घर पे जाना है, उनसे मिलेंगे फिर उसके बाद निकलते। तो अभी मैं कहीं पे शूट नहीं करूँगा तो सीधा जब निकलते तभी मिलता हूँ आप लोगों को। सो गाइस तो फाइनली सब काम हो गए अच्छे से और अभी तो 7 बजे हुए और अभी हम लोग रिटर्न जाने के लिए निकल चुके। तो अभी रिटर्न जाने में जाते समय एक दो प्लान से एक दो जगह पे रुकने का, बट लेट से क्या होता है, अगर पॉसिबल होता है तो रुकेंगे, अदरवाइज सीधा घर पे जाएंगे। जो भी होता है जैसे भी होता है आप लोग आगे देखने वाले हो, तो चलो चलते आगे। सो गाइस तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर, घृष्णेश्वर टेम्पल है, घृष्णेश्वर मंदिर वहाँ पर रुके। ये पुराने वाले हाईवे पर आता है, इसके लिए हम लोगों ने इस हाईवे से गाड़ी डाली क्योंकि मम्मी को इस टेम्पल में आना था। तो ठीक है, हम लोगों ने सोचा कि इसी हाईवे से चले जाते हैं और आगे जाके ये जो हाईवे है वो नए वाले हाईवे को भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो मंदिर है ये आता है जो अपना जो वेरू की जो केव्स है, मतलब जो एलोरा केव्स जो है जो कि काफ़ी फेमस है आप लोगों को भी पता होगा। तो वो केव्स क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे आके, मतलब 3-4 किलोमीटर आगे आने के बाद ये टेंपल आता है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं, अगर यहाँ पर शूट करना पॉसिबल होगा तो ज़रूर शूट करेंगे और आप लोगों को भी, अगर पॉसिबल नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो चलते हैं। सो गाइस तो फाइनली अभी यहाँ पर जो है वो दर्शन हो गया हम लोगों का, और यहाँ पर जो है वो अंदर मोबाइल, मतलब फ़ोटो कैमरा मोबाइल कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर फोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है मंदिर के। अभी हम लोग मंदिर के बाहर है और पीछे जो है मम्मी कुछ ले रही है, कुछ उसको चाहिए था तो वो ले रही है, और ये तो अभी वापस करना पड़ेगा जिनसे ले आया था वो पूजा, तो वो देते और निकलते यहाँ से। सो चलो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी लगभग 8 बज चुके हैं और अभी हमें देखना पड़ेगा कि आगे से जो हाईवे मेन वाला नया वाला तो वो कहाँ से ज्वाइन होगा वो पहले देखना पड़ेगा। तो चलो अभी वीडियो बंद करता हूँ और फटाफट मैप लगाता हूँ क्योंकि मैप से ही हम लोगों को फटाक से रास्ता मिल सकता है। चलो चलते हैं अभी। सो गाइस तो अभी 9:30 बज चुके हैं, 9:30, और अभी मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है जो कि है 40 गाँव में। मैंने सिटी के अंदर ही कुछ जो है वो होटल सर्च कर लिया था मोबाइल से, मतलब गूगल वगैरह करके, तो मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखा था, वहाँ पे फोटोज़ भी थे। तो ये सुदामा वेज फैमिली रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे रुका हूँ मैं अभी, और अभी यहाँ पर खाना खाते फिर निकल जाएंगे आगे। अभी 9:30 बज चुके तो जल्दी खाना खा के आगे निकलना भी। चलो चलते अंदर।
सो चलो गाइस अभी यहाँ पे खाना वगैरह हो गया अच्छे से, और खाना होते होते 10:15 बज गए। चलो चलते फटाफट घर पे, जाते जाते तो लगभग 11:30 तक तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी रात का भी टाइम है और रास्ता भी जो है वो सिंगल है और बीच बीच में कभी भी गड्ढा आ जाता है, इसके लिए थोड़ा आराम से ही धीरे से ही गाड़ी चलाना पड़ेगा। चलो चलते अभी सीधा घर पे मिलते हैं। सो गाइस तो अभी इसी के साथ मैं घर पर आ गया, फ्रेश वगैरह हो, कपड़ा वगैरह चेंज किए, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करो। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला भी वीडियो अच्छा लगे, या तक देख लिया, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे।